Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your home. Unit number 4, turning a factor of 4, topic equilibrium 4.7. So, first we have to know what is equilibrium, right? And then we have to know that rather an object is in equilibrium or not. सबसे पहले हमने ये देखना है बच्चों कि हमारे पास इक्विलिब्रियम चीज क्या होती है, ये क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है। कब एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं हाँ जी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। अब इस सब को समझने के लिए हमें क्या समझना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले हमने क्या हुआ है, राइट। आज हम इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपका बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा दोबारा से रिव्यू हो जाए और आपको याद आ जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, ठीक बच्चों। तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर होल मास या होल वेट ऑफ द बॉडी लाइज, ठीक है। हमारे पास ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का सारा वेट लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक बच्चों। अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोकेट कैसे किया जाता है, दो केसेस होते हैं, एक होता है रेगुलर शेप बॉडी और दूसरी होती है इरेगुलर शेप बॉडी। जो रेगुलर शेप बॉडी होती है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता होती है, ठीक। तो हमारे पास रेगुलर शेप बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है और जो इरेगुलर शेप बॉडी होती है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लम लाइन मेथड के थ्रू। प्लम लाइन मेथड हमने पहले किया हुआ है, जिन्हें क्लियर नहीं है या जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं सुने तो गो टू द लास्ट लेक्चर, आपके पास उनकी सारी वीडियोस आपके एमपीएस के यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये थोड़ी सी आज मैं आपको ज्यादा चीज बता रही हूँ। देखिए बच्चों दोनों आपके पास ट्राइंगुलर शेप बॉडी है, लेकिन आप देखिए एक है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन मीन 3D शेप, ऐसी जो हमारे पास एक्स वाई और जी प्लेन में तीनों प्लेन में है, और दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल जो कि एक्स और वाई डबल प्लेन में सिर्फ टू प्लेन में होता है, थर्ड 3D नहीं है, एक 3D है, कोन जो है ये 3D है और ट्राइंगल जो है वो 2D है। फर्स्ट चैप्टर जब मैं आपको क्लास में करा रही थी वहाँ पे मैंने आपको डायमेंशन समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि आपके पास जब कोई बॉडी 2D होगी और 3D होगी, बेशक उनकी शेप एक जैसी हो लेकिन उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट पे लाएगा। अब बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बच्चों, ये देखें आप ये लास्ट रिंग वाली जो है, बाकी दो एक जैसे कप है, कप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड है, मीन से कप के दरमियान में आ रहा है, स्पेस जो होती है उसकी ना वहां पे आता है, इसी तरह रिंग के दरमियान में आ रहा है। अब जो समझने की बात ये है कि आपने दो चीजें कंट्रास्ट में पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी थी और दूसरा पढ़ा था सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए बच्चों जरूरी है कि वो बॉडी के इनसाइड ही लाई करता है। सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, मास का, पूरे बॉडी के मास का हमारे पास एक सेंटर पे लाई करना, वो हमारे पास क्या होता है, इनसाइड द बॉडी लाई करता है। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के आउटसाइड भी लाई करती है, ठीक बच्चों। अब हमारे पास हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। बच्चों इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन कर देती हूँ। द स्टेट ऑफ बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। मीन्स दैट कि जब हम बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस लगा रहे होते हैं लेकिन एज अ रिजल्ट बॉडी हमारे पास रेस्ट पे ही रहती है, वो किसी किस्म की कोई मोशन शो नहीं करती, ना वो ट्रांसलेशनल और ना ही रोटेशनल, बॉडी अपनी रेस्ट की कंडीशन को मेंटेन रखती है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हमारे पास बच्चों तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है, मीन इट हैज 3 टाइप्स, कौन कौन सा है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम को। आप कहते हैं फॉर स्टेबल ऑब्जेक्ट कैसे, कहते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन, कि हमारे पास
इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारे पास सबसे नीचे उसकी जो पोजीशन आ रही होती है वहां पे होता है, ठीक, जो उसकी पोजीशन सबसे नीचे होगी। ठीक है बच्चों, हमारे पास ग्राउंड के नियरेस्ट पोजीशन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कहता है डिसेंट पॉइंट टू, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीड्स टू राइज इन ऑर्डर टू टॉपल द ऑब्जेक्ट। कहता है अगर हमने टॉपल कहते हैं बच्चों कि बॉडी को मूव कराना, बॉडी को डाउन मूव कराना, अक्सर इसके लिए टू ले डाउन का वर्ड यूज होता है कि नीचे करना, लेकिन जरूरी नहीं है बॉडी को गिराना ही, इसका मतलब ये किसी भी तरह बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, लेकिन टॉपल ज्यादातर ऐसे यूज होता है कि बॉडी को टू ले डाउन, नीचे डाउनवर्ड मूव कराना, कि हमारे पास हम इसकी पोजीशन को सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज करने के लिए बॉडी को मूव कराते हैं, डाउनवर्ड मूव कराते हैं। अब क्या दे आर डिफिकल्ट टू टॉपल ओवर, कि हमारे पास ये जो बॉडीज होती हैं इनका डाउनवर्ड मूव कराना मुश्किल होता है। ठीक है, इन्हें इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाईएस्ट पोजीशन होती है, ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर इन ऑर्डर टू टॉपल द ऑब्जेक्ट, कि जब हम बॉडी को नीचे गिराते हैं तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोअर साइड पे चली जाती है, दे आर इजी टू टॉपल डाउन। कहता है ये वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये गिराने आसान होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कौन से ऑब्जेक्ट में होता है, हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे बॉल जो रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं उनमें हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाता है, दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दे रोल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो रोल करते रहते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते, वो रोटेशनल मोशन करते हैं, ये उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ना हाई होता है और ना ही लो होता है। ठीक बच्चू, नाउ व्हाट्स हैपनिंग, ओके टॉपलिंग। यहाँ पे वो क्या बात कह रहे हैं बच्चू, कि हमारे पास एक बुक की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये बुक है, ये हमने रखी हुई है, टॉपलिंग द अपराइट बुक रिक्वायर्स ओनली अ स्लाइटली राइज ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि हमने क्या किया कि ये जो बुक थी ये स्टैंडिंग पोजीशन पे थी, हमने इसे डाउन करना है, टॉपलिंग मींस टू ब्रिंग डाउन द बुक। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इस पॉइंट को देखें कि यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बुक है फिजिक्स के सी के पास, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया ना, इट्स नॉट टू मच, राइट। अब कहता है टॉपलिंग द फ्लैट बुक रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लार्ज साइज ऑफ बुक, कि हमारे पास बुक है, हमने उसे यहाँ पे था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारे पास उसका चेंज होके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आ गया, पहले वो फ्लैट थी, लास्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, पहले हमारे पास बुक खड़ी थी, राइट, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, हमने उसे प्लेट किया, इट चेंज्ड इनटू दैट प्लेस। ठीक है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये, यहाँ से हमने बॉडी को चेंज किया, प्लेट से खड़ा कराया, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया। नाउ टॉपलिंग, अब हम बात करते हैं बॉडी की जो के रोटेशनल मोशन शो कर रही है, टॉपलिंग द सिलेंडर डज नॉट चेंज द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि हमारे पास जब बॉडी रोटेशनल मोशन शो करेगी तो उसमें हम कितनी भी बॉडी को मूव करा लें, डाउन मूव कराएं, अपवर्ड मूव कराएं, जो मर्जी ये कर दें, हमारे पास उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास कहता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो नंबर वन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि बॉडी का मास कितना है, नंबर टू इज द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, द थर्ड इज द एरिया ऑफ द बेस फोर्स, कि हमारे पास कितना एरिया जमीन के साथ या ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। ठीक, मूविंग टुवर्ड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास ये एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, एंड टेबल के ऊपर है, वी हैव टू फाइंड कि हमारे पास इसके ऊपर कितनी फोर्सेस है, राइट, तो हमने फोर्सेस वाला टॉपिक पर टॉपिक जो हमने पढ़ा था, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले
दैट इज द नॉर्मल फोर्स एफ एन। ये क्या है समेशन एफ। समेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्स। ठीक है, हमने ये जितनी भी फोर्सेस थी इनका समेशन ले लिया, इनका सम ले लिया और ये हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ। नाउ हियर इज एफ जी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास जो बॉडी का वेट है W=mg वो डाउनवर्ड। अब हमने क्या करना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं। क्या है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट हो उसे हम रेस्ट की कंडीशन पे बैलेंस करते हैं जब, तो वो कौन सी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम होती है। अब हमारे पास कहता है कि ये ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जो सारी की सारी फोर्सेस होती है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है और बॉडी रेस्ट में आ जाती है, उसमें किसी टाइप की कोई मोशन नहीं होती, ना ट्रांसलेटरी और ना ही रोटेटरी। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम एक रिंग ले रहे हैं। ठीक है, रिंग क्या है कि हमारे पास इस पे फोर टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दैट इज F1, F2, F3 एंड F4, राइट। अब हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। F1 ये देखें -x, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट में है, ये +x, ये +y एंड -y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये -x, F1 was -x, तो हमारे पास फोर्स के साथ F1 के साथ माइनस आ जाएगा और F2 के साथ प्लस। ये इधर भी ऐसा ही होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, zero. Summation F, sum of all the forces equals to ma. F equals to ma न्यूटन का लॉ है ना, तो उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं F1, F2, F3, F4, F1 negative and F4 negative. So positive or negative is which ko cancel out kar denge. So what is this? Static equilibrium. The body must be in translation equilibrium or a body does not accelerate along any line. Kehta hai body kya ho? Translational equilibrium mein ho. Means jab wo move kare, wo puri ki puri move kare in a line. Ya phir wo bilkul एक्सेलरेट ही ना कर सके, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ना जाके जाके। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो देन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी तो हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अब क्या है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द जीरो। देखिए समेशन एफ, एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो, summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, कि हमारे पास जो x component की forces हैं वो भी 0 हैं और जो y component की forces हैं वो भी 0 हैं। Now ये देखें बच्चों हमारे पास इसमें हमें mass दिया हुआ है 3 kg, what is the tension, हमने क्या find करना है, tension of force की कैसे करेंगे। हमने free body diagram बना ली, upward is the tension and downward is the weight। हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, समेशन एफ, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स कंपोनेंट एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट में हमारे पास ये देखें कोई फोर्स नहीं, लेकिन वाई कंपोनेंट में हमारे पास क्या है, टेंशन माइनस वेट। वेट में से टेंशन को माइनस करते हैं, सो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या होगा, वेट के लिए हम माइनस तो ये प्लस, सो टी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह हमने क्या लगा लिया, एम जी। ठीक है, T माइनस W, W की जगह mg, T इज इक्वल टू इस साइड आ गया और mg इक्वेशन की दूसरी साइड चला गया और माइनस साइन खत्म हो गया। अब हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, 3 kg और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंशन इन द स्प्रिंग इज T इज इक्वल टू 229.4 न्यूटन। ठीक है बच्चों, क्लियर।